जयसु, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस आराधना में, इस प्रार्थना में, प्रभु की स्तुति में। प्रभु आप सभी को आशीष दे, उसका अनुग्रह पूर्ण हाथ आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय हम प्रभु की उपस्थिति में चलें। वास्तव में प्रभु की उपस्थिति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि प्रभु की उपस्थिति ना हो तो इसका हर्जाना या खामियाजा हमें किस तरह से भुगतना पड़ता है। यदि प्रभु का सानिध्य हमारे जीवन से चली जाती है तो इसका कितना नुकसान हमें उठाना पड़ता है, यह हम जानते तक नहीं है। पवित्र बाइबल में कुछ व्यक्तियों के बारे में लिखा हुआ है जिनके ऊपर से प्रभु का सानिध्य उठा, पवित्र आत्मा उन्हें छोड़कर गया और उन्होंने इसका नुकसान उठाया। उनमें से सबसे पहले हम देखते हैं दाऊद के जीवन के बारे में। दाऊद ने पाप किया और पाप करने के बाद परमेश्वर का आत्मा उनसे अलग हो गया। यह हमें इस बात से पता चलता है क्योंकि स्तोत्र अध्याय 51 में दाऊद कहते हैं, प्रभु तेरे सानिध्य से मुझे दूर ना कर और तेरे पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। यानी पाप के द्वारा हम प्रभु के सानिध्य को और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को खो सकते हैं। कई वर्ष पहले मैंने एक किताब पढ़ी और उस किताब में एक छोटी सी घटना थी। एक बहन जो प्रभु पर विश्वास करती थी और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी, और वो एक बार कहीं गई और उसने एक बहाना लगाया वहां से निकलने के लिए। एक छोटा सा बहाना लगाया कि मैं अभी चाय पी कर आती हूं, और लेकिन वास्तव में उसको वहां अच्छा नहीं लग रहा था और वो कहीं और चली गई। तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को उसने अपने ऊपर से जाते हुए देखा और उसने तुरंत प्रार्थना किया, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति मुझसे क्यों जा रही। तो प्रभु ने कहा कि तुमने झूठ बोला है। उसने कहा, प्रभु मैंने एक छोटी सी बात कही है। प्रभु ने कहा, नहीं, ये छोटे छोटे बातें, ये छोटे छोटे झूठ, ये छोटे छोटे पाप हमें परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर सकते हैं। इसलिए आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ में, वहां पर लिखा हुआ है कि छोटी या बड़ी किसी बात में भी पाप ना करो। हमें प्रभु के सानिध्य की जरूरत है। प्रभु का सानिध्य एक मनुष्य के लिए बेहद जरूरी है। जैसे एक बच्चे के लिए माँ का सानिध्य जरूरी है, माँ की उपस्थिति जरूरी है, माँ का आंचल जरूरी है, माँ की गोद जरूरी है, वैसे ही हमें परमेश्वर के सानिध्य की जरूरत है। प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद रखें, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तेरे सानिध्य की जरूरत है, मुझे तेरी उपस्थिति की जरूरत है। तेरी उपस्थिति कभी भी मुझसे दूर ना हो प्रभु। मैं तेरी आराधना करता हूं, मैं तेरी आराधना करता हूं, मैं तेरी आराधना करता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रार्थना करना शुरू करें इस समय। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शलबियंदा ले 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 ले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें अपने शब्दों में इस समय। प्रभु की उपस्थिति इस जगह को घेरे, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन की ओर बढ़े, प्रभु की उपस्थिति आपके घर में इस समय छाए, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन से इस समय दूसरों के जीवन की ओर बहने लगे। प्रार्थना करें, धन्यवाद यीशु। प्रभु इस वेदी से इस समय तेरी उपस्थिति प्रभु लोगों को छुए, जितने लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तेरी उपस्थिति प्रभु यहां से निकल कर उन्हें छुए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 आराधना 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 गाएं प्रभु की आराधना करेंगे दिल से दिल से आराधना 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 उन्नत शक्ति परम पिता राजा राज की आराधना उन्नत शक्ति परम पिता राजा धीराज की आराधना आराधना भाई आराधना धन्यवाद यीशु चंगा करने वाला प्रभु यीशु दिल से करें
याद करेंगे आज।
से भर ही दिया, वरदानों से भर ही दिया। था मैं, तूने मुझको अपनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु येसु दया सागर, प्रभु येसु करुणा सागर, तेरी आराधना महिमा सुधि ले प्रो साला मंदाला बरा 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 हालेलुया 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 चले ले 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 हालेलुया 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 चले मंदिर ले 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 सामर्थवान जीवित प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। ये सुंदर समा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र हूं। प्रभु आप सभी लोगों को विश्राम देना चाहता है। प्रभु जानता है कि पूरे दिन भर के काम काज करने के बाद आप थक चुके हैं, हो सकता है पारिवारिक समस्याओं के कारण थके हुए हैं, हो सकता है चिंताओं के कारण थके हैं, हो सकता है आज आपका कोई काम पूरे नहीं हुए इसलिए आप चिंता में हैं। जीवित प्रभु की उपस्थिति का अनुग्रह इस वेदी से आपकी ओर बह रहा है। आपके घर प्रभु की महिमा का स्थान बन जाए। प्रभु की कृपा आपको चारों ओर से घेरे हुए प्रियजनों, विचलित ना होना, अपना मन प्रभु में लगाना, अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाना और आनंदित हो जाना। थोड़े समय के लिए जीवन की सारी विषम परिस्थितियों को एक किनारे करना और प्रभु जो सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, जो वादों को पूरा करता है, जो हमारी सहायता करता है, उससे जुड़ जाना, क्योंकि वो आनंद का स्रोत है, वो जीवन का स्रोत है। उसका सानिध्य महसूस करें, उसके वो हाथ जो लोगों को चंगा करते थे, उसके हाथ जो लोगों को आशीष देते थे, वो इतने बड़े हैं कि आपको प्रभु स्पर्श करता है, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु का हाथ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु का सामर्थ्य आपकी और आपके परिवार की ओर बह रहा है। प्रभु का प्रकाश आपके चारों ओर फैला हुआ है। महसूस करें, विश्वास की आंखों को खोलें, विश्वास की आंखों से इस पवित्र संस्कार को देखने की कोशिश करें। प्रभु वहां पर विराजमान रहता है, जहां पर दो या तीन उसके नाम पर उपस्थित होते हैं, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर वो हमारे बीच में हाजिर रहता है। मांगिए जो मांगना चाहते हैं। प्रभु कहता है तुम मुझसे मांग और मैं तुझे बड़ी बड़ी और रहस्यमयी बातें बताऊंगा। तो मेरी हजूरी में रहे और धन्यवाद कर और मेरे आनंद का भागी बन जाए। आज की रात्रि प्रभु आपको स्पर्श करना चाहता है, वो आपको चंगा करना चाहता है। आप में से बहुत बीमार हैं, हो सकता है शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से बीमार हैं, आत्मिक रूप से बीमार हैं। हो सकता है आप शारीरिक रूप से अंधे ना हो, परंतु अविश्वास का पर्दा जो आंखों पर पड़ा है उसके कारण आप अंधे हैं। हो सकता है कि आप किसी न किसी कारणवश अपने भाई या बहन में अच्छाई देखने में असमर्थ हैं। ये बुराई का फंदा, ये बंधन आपके जीवन में है जो ईश्वर की आशीष को अनुभव नहीं करने देता है। इसलिए प्यारे भाई प्यारी बहन, करुणामय दयालु ईश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आए हैं। जहां पर दो या तीन उसके नाम से एकत्र होते हैं, वो कहता है मैं वहां हाजिर रहता हूँ। सच है प्रभु, हम विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं कि तू हमारे घर में है, तू हमारे बीच में है, हमारे बच्चों के बीच में है।
जहां पर पति पत्नी या उनके दो बच्चे हाजिर होते हैं, प्रभु ने कहा जहां पर दो या तीन, अर्थात आप दो या आपके दो, अगर एक मन एक प्राण से एकत्र हो जाते हैं संध्या के समय, तो वो घर प्रभु की महिमा का स्थान बन जाता है। प्रभु का अनुग्रह इस वक्त आपके परिवार में है। प्यारे भाई प्यारी बहन, अपने बीमारों को याद करें, वे लोग जो भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, वे लोग जो सुखी हैं, अच्छे घरौंदों में रहते हैं, आज प्रभु उन सबको स्पर्श करें। पवित्र आत्मा को पुकारिए, वो हमारे बीच में अधिकार ले। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपको अपने सानिध्य से भर दे। इसलिए प्यारे भाई प्यारी बहन, जब वो पवित्र आत्मा उतरेगा तो आपको अपने महिमा के दर्शन कराएगा, प्रभु आपको स्पर्श करेगा, वो आपके आत्मिक आंखों और कानों को खोल देगा। एक हृदय में छिपे हुए अंधेरे को मिटाने के लिए पवित्र आत्मा से कहना, आ जाइए, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी स्तुति गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आइए प्रभु यीशु, आइए मेरे दिल में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरी संस्था में, मेरी कम्युनिटी में, मेरे सहयोगियों के जीवन में, मेरे भाई बहनों के जीवन में, मेरे परिवार के सदस्यों के जीवन में, पुरोहितों के जीवन में, हे प्रभु अधिकार लीजिए, पवित्रता का वरदान प्रदान कीजिए। आइए प्रभु यीशु, आइए मैं तेरी आराधना करता हूँ। आइए पवित्र आत्मा, प्रेम के आत्मा, शांति के आत्मा, प्रेम की आत्मा, शांति की आत्मा, प्रेम के आत्मा, शांति के आत्मा, प्रेम के आत्मा, शांति के आत्मा, आकर तू हम पर छा जा, आकर तू हम पर छा जा, हम पर छा जा, आकर तू हम पर छा जा, अपने हाथों को उठाए आत्मा, आकर तू हम पर छा जा, आकर तू हम पर छा जा, यीशु के आत्मा,
शांति के आत्मा यीशु के आत्मा शांति के आत्मा यीशु के आत्मा शांति के आत्मा कर तू हम पर छा जा आकर तू हम पर छा पूरे हृदय से पवित्र आत्मा को पुकारे परिवार आपके जीवन पर पवित्र आत्मा को अधिकार लेने दे गाएं आत्मा पावन आत्मा आजा कर तू हम पर छा जा कर तू हम पर छा जा। प्रभु की स्तुति करेंगे, आपका जवाब होगा हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू परम पावन है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू महान और सर्वोच्च है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तूने हर मानव को अपने प्रतिरूप बनाया है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तूने हर मानव को प्रेम किया, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू किसी मानव का विनाश नहीं चाहता, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम पापियों को बचाने के लिए तूने अपने पुत्र यीशु को हमारे बीच में भेजा, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम पापियों के लिए तूने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू ईश्वर का भेजा हुआ मसीह है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हम सबके पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हम पापियों को बचाने के लिए क्रूस पर अपने को बलिदान कर दिया, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू मृतकों में से महिमा के साथ जी उठा, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, पितो पिता के दाहिने विराजमान है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू हम भक्तों पर अपना पवित्र आत्मा भेजता है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू परमेश्वर को अब्बा कहकर पुकारने में हमारी सहायता करता है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें पवित्रता की राह पर ले चलता है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें हमारी कमजोरियों पर विजय दिलाता है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें फल और वरदान प्रदान करता है, हम तेरी स्तुति करते हैं। सब प्रकार की विपत्तियों के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। सारी कमजोरियों के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। सारे कष्टों के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। सारे रोगों के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। सभी असफलताओं के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। सभी अपमानों के लिए हम
तेरी स्तुति करते हैं। सभी आर्थिक नुकसानों के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। परिवार के सदस्य की कमजोरियों के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। अपने माता पिता के जीवन के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। बुराई को भलाई में परिणत करने के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। मृत्यु से पुनरुत्थान देने के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। पवित्र वचन द्वारा हमसे बोलने के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हमें ईश्वर की संतान बनाने के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा को भेजकर हमें अपना सेवक बनाने के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। अंधकार से ज्योति में लाने के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर किसी बीमारी का किसी भी बुराई का रोग शक्तियों का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने जीवन से हर प्रकार की बुराई और सभी षड्यंत्रों शैतानी ताकतों को बद्रूहों के लश्करों को निकाल देता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ आपकी जय जयकार करता हूँ हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, उससे पहले आप मेरे पीछे भजन स्त्रोत 146 दोहराइए। हालेलुया, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा करो और ना किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ है वे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी दिन उनकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा करता है उसने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है समुद्र को और जो कुछ उसमें है प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है वह पद्दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है प्रभु बंदियों को मुक्त करता है प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है प्रभु झुके हुए को सीधा करता है प्रभु धर्मियों को प्यार करता है प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है वह अनाथ तथा विधवा को संभालता किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है प्रभु सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा सियोन वह पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ आपकी महिमा गाता हूँ आपकी जय जयकार करता हूँ हालेलुया। आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है।
हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, देखो हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, बताती हैं कि दरिद्र की प्रार्थना बादलों को चीरते हुए परमेश्वर के कानों तक पहुंचती है। इसलिए जब लोग प्रभु की दुहाई देना शुरू करते हैं तो स्वर्ग राज्य में खलबली मच जाती है। प्रभु की आंखें जो स्वर्ग से सब कुछ देखती हैं, वो आपको आशीषित करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए प्यारे भाई प्यारी बहन, पूरे मन पूरी आत्मा और पूरे हृदय से पूरी श्रद्धा और भक्ति से परमेश्वर का धन्यवाद करते जाना और उसकी स्तुति करना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो महान है, अगम्य है,
सर्वशक्तिमान है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने इस सारी दुनिया को सजाया, वो प्रभु हमारे बीच में निवास करता है। उसकी मर्जी के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। आज आपको उसने एक अच्छा दिन दिया था। आप अपने काम पूरे करने के बाद पुनः एक साथ मिलकर उसका धन्यवाद कर रहे हैं। तो स्रोत संख्या 14 पद संख्या 2, स्रोतकार कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसे जाने, उससे प्यार करे और उसके साथ रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि इस धरती के लोग ईश्वर की खोज करें, उसे जाने, उसे पहचाने। सदियों से हम देखते आए हैं कि किस तरह से इंसान ने ईश्वर को खोजने की कोशिश की है और वह उसको खोजता रहा। कभी उसने पर्वतों पर उसे खोजा, तो कभी उसने गिरजाघरों में खोजा, तो कभी उसने मंदिरों में खोजा। जहां तहां उसे अच्छा लगा वो खोजता रहा, लेकिन कभी इंसान ने अपने हृदय की टोह लेनी नहीं चाही, क्योंकि वो प्रभु, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे हृदयों में निवास करता है। कस्तूरी मृग का नाम आपने अवश्य सुना होगा, जो जंगलों में रहता है। उसके कुंडल अर्थात नाभि में कस्तूरी रहती है, जिसकी खुशबू इतनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली होती है कि प्यारे भाइयों और बहनों, आप उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। और कस्तूरी मृग के कुंडल में कस्तूरी रहती है, लेकिन यह मृग चारों ओर घूम घूम के उस कस्तूरी को ढूंढता रहता है। इसी तरह से मनुष्य का हृदय भी है। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारे हृदय में पवित्र आत्मा निवास करता है, क्या तुम ये नहीं जानते? इंसान, प्यारे भाई, प्यारी बहन, परमेश्वर को हर जगह, हर तीर्थ पर, हर समय खोजने की कोशिश करता है, लेकिन अपने हृदय में नहीं खोजता। जिस दिन वह अपने हृदय में खोजना शुरू कर देगा और अपने हृदय से बुराइयों को निकाल देगा, उस दिन मैं समझता हूं कि परमेश्वर उसके जीवन में निवास करेगा, उसके जीवन में आनंद होगा, उसके जीवन में चमत्कार होंगे। और प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारे जीवन को सजाएगा। आप सृष्टि को देखिए कि परमेश्वर ने किस तरह से इस सृष्टि को सजाया है। सुंदर पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, छोटे छोटे जीव जंतु, जिनके ऐसे रंग हैं, इस सृष्टि की ऐसी चित्रकारी है कि आप और मैं एक छोटे से दिमाग से उनके विषय में कल्पना तक नहीं कर सकते। समुद्र में इतने प्रकार की मछलियां हैं, इतने प्रकार के उनके रंग हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते हैं। मात्र आपको सात रंग कोई विषय में आप किताब में पढ़ते हैं, लेकिन जब आप सृष्टि में झांक कर देखते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उन रंगों के नाम तक आप नहीं बता सकते हैं। ये हमारे परमेश्वर का काम है, ये उसके अभूतपूर्व और अपूर्व चमत्कार है। इंसान एक छोटा सा प्राणी है इस पूरे ब्रह्मांड में, और आप देखिए कि इंसान के अधिकार में पूरे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने दे दिया है, अधिकार दिया है। फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ, पृथ्वी पर अधिकार दिया है, लेकिन अधिकार पृथ्वी को उजाड़ने के लिए नहीं, वो अधिकार लोगों का सर्वनाश करने के लिए नहीं, वो अधिकार इस पृथ्वी की सृजनात्मकता को बनाए रखने के लिए, इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, कि जब भी आप बर्फ से ढके पहाड़ों को देखें तो परमेश्वर के अभूतपूर्व कामों को देखकर उसकी चर्चा करें। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा आज तक, ना आपने और ना मैंने, लेकिन यदि आप ग्लेशियर्स को देखेंगे, अगर आप बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को देखेंगे, तो अवश्य ही मनन चिंतन करेंगे कि इसको बनाने वाला कई ज्यादा गुना
महान है और वही परमेश्वर है, वही अगम्य है, वो सदा एक रूप रहता है, वही पराक्रमी और शूरवीर है। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि बाइबल हमें बताती, स्तोत्रकार कहता है, इसलिए मुझे और आपको हर दिन, हर पल, हर क्षण निस्वार्थ रूप से धन्यवाद देने की आवश्यकता है। अक्सर लोग चंगाई और प्रार्थना, चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना अटेंड करते हैं कि आज बंधन टूटेगा, अवश्य टूटेगा। कई लोग सोचते हैं आज बीमारी से चंगे हो जाएंगे, अवश्य चंगे हो जाएंगे। आप लोग विश्वास करें, प्रभु की महिमा करें, आप उसके वचन की घोषणा करें, आप तालियां बजाएं और गाएं, उसकी शुद्ध बुद्ध में खो जाएं। जिस तरह से प्रभु येसु जब प्रेरिताई का काम करते थे, सेवकाई करते थे, वचन कहता है कि ईसा अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे, उन्हें भोजन की भी चिंता और परवाह नहीं रहती थी, क्योंकि सैकड़ों लोग उनसे मिलने के लिए आया जाया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु येसु, हे प्रभु येसु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वशक्तिमान, आदि और अंत हैं, आदि और अंत, पिता ईश्वर ने, पिता ईश्वर ने सारी सृष्टि पर, सारी सृष्टि पर, पृथ्वी और स्वर्ग पर, पृथ्वी और स्वर्ग पर आपको अधिकार दिया है, आपको अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु येसु, हे प्रभु येसु, इस संध्या वंदना के दौरान, संध्या वंदना के दौरान मुझे अपने वचनों को, मुझे अपने वचनों सुनने और समझने का, सुनने और समझने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए, सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि हमें जानना है कि सत्य क्या है। सत्य केवल और केवल परमेश्वर है, जैसा कि उसने कहा जब मूसा ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, मुझे बता, और उसने कहा कि मेरा नाम सत्य है। तो मूसा ने कहा, अब मुझे अपनी महिमा दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने कहा, नहीं मूसा, तू मुझे देख नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि अगर वो देखेगा तो भस्म हो जाएगा। मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूं कि मैं तेरे सामने से गुजरूंगा और तू मेरी पीठ को देख सकता है, परंतु मेरा चेहरा नहीं देख सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है। परमेश्वर सत्य है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जिस तरह से अल्कोहल जो फर्स्ट ग्रेड की होती है बहुत ज़्यादा प्योर होती है, ये पेट्रोल जो फर्स्ट ग्रेड का होता है बहुत प्योर होता है, या स्पिरिट, जब तक उसमें पानी ना मिला दिया जाए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और आपको नष्ट कर सकती है, जला सकती है, या तेजाब जिसे हम कहते हैं, अगर वो प्योर होता है तो उस जगह को जला देता है, आम तौर पर भौतिक चीज़ों को। तो परमेश्वर जो स्पिरिट है, बाइबल हमें बताती कि ईश्वर तो आत्मा है, ईश्वर तो आत्मा है, और ईश्वर ऐसे आराधकों की खोज में रहता है जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, वो प्रभु पवित्र हैं। इसलिए उसने मूसा से कहा कि मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन इंसान फिर भी उसकी खोज में लगातार निरंतर रहता। आप और मैं भी यही कर रहे हैं, आप और मैं भी यही कर रहे हैं। कुछ उसे बहुत समय तक जाकर समाधि में बैठकर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ उसे सेवकाई में ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग तीर्थों पर जाकर प्रभु को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने कहा, वो तो आपके बीच में, वो तो आपके भीतर रहता है, वो तो आपके घर में निवास करता है। बाइबल कहती है कि अगर तुम अपने भाई को जिसे तुम देखते हो प्यार नहीं कर पाते, तो ईश्वर जो अदृश्य है, जिसे तुम देख नहीं सकते हो, उसे तुम कैसे प्यार कर सकते हो। इसलिए प्रभु ने इस दुनिया में आकर हमें उदाहरण दिया और उसने कहा कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी एक दूसरे के साथ करो। उसने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में रहता है। तो येसु, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में एक ऐसा उदाहरण लेकर आया। उसने हमें पिता के दर्शन कराए जब फिलिप ने उसे कहा कि गुरुवर, प्रभु हमें ईश्वर के दर्शन कराइए। तो प्रभु येसु ने उससे क्या कहा,
उन्होंने उससे कहा कि जिसने मुझे देख लिया है उसने पिता को देख लिया। फिलिप, तुम्हारे लिए इतना काफी है कि तुमने मुझे देख लिया है, क्योंकि मैं पिता में रहता हूं। इसलिए हम एक सुंदर गीत गाते हैं, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। अंगीकार करेंगे और इस गाने की दो लाइनें गाकर प्रभु को हम महिमा देंगे। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, उसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी वाणी, जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी वाणी। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, उसने पिता को देखा है। जो माने मेरा आदेश वो माने उसका आदेश, जो माने मेरा आदेश वो माने उसका आदेश, जो माने मेरा आदेश वो माने उसका आदेश, पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। तो मैं आपसे कह रहा था कि इंसान ईश्वर की खोज में है। अब सुनिए ध्यान से कि जब तक परमेश्वर अपने आप को प्रकट ना करे, जब तक वो लोगों पर और इस दुनिया पर अपने आप को रिवील ना करे, हम में से कोई भी उसके दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है। और ईश्वर ने ऐसा ही किया। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा कि जाओ और मेरे विषय में लोगों को बताओ, जाओ मेरी वाणी लोगों को सुनाओ, जाओ मेरे नियम आदेश लोगों को बताओ और उनसे कहो, इसराइलियों से कहो, ए ओ इसराइलियों तुम क्यों मरना चाहते हो। इसराइलियों से कहना, मूसा से उसने कहा कि आज रात मैं तुम्हारे लिए मन्ना बरसाऊंगा। और इस तरह की तमाम बातें प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा लोगों से करता आया था। इसलिए यीशु मसीह ने एक सुंदर उदाहरण दृष्टांत के रूप में हमें दिया असामियों का, कि एक व्यक्ति अपनी दाखबारी को असामियों को पट्टे पर देकर चला गया और जब वो हिसाब लेने के लिए उसने अपने मजदूरों को भेजा तो उन्होंने किसी को मार डाला, किसी के साथ अशोभनीय व्यवहार किया, अंत में अपने पुत्र को भेजा। उसने ये सोचा कि हो सकता है कि ये मेरे पुत्र का आदर करेंगे, लेकिन उन्होंने उसका भी आदर नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि ये तो इस दाखबारी के मालिक का वंश है, इसका अधिकारी है, चलो इसे भी मार डालें। प्यारे भाइयों और बहनों मुक्ति के इतिहास में भी ऐसा ही हुआ। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा ताकि वो दुनिया को प्रायश्चित का संदेश सुनाए, लेकिन उन्होंने ईश्वर की बातों को नहीं सुना। जितनों ने उसकी बातों पर ध्यान दिया उन्होंने उद्धार पाया। अंत में उसने अपने पुत्र को भेजा और इस दुनिया के लिए यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाकर प्रायश्चित किया और अपना बलिदान उन्होंने दे दिया। और परमेश्वर ने इस दुनिया के ऊपर अपने आप को रिवील किया, प्रकट किया। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु
मुझको और आपको बचाने के लिए इस दुनिया में आए और पिता का रूप लेकर आए। उन्होंने दिखाया, उन्होंने सिखाया कि पिता किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करता है। वो पक्षपात नहीं करता, वो दोष नहीं लगाता, रोगियों को चंगा करता है, जो उसके पास आते हैं खाली हाथ नहीं लौटाता, वो गाली के बदले में गाली नहीं देता है, बल्कि वो अपने षड्यंत्रकारियों को क्षमा करता है। ये प्रभु यीशु ने सिखाया और पिता का रूप उसने मेरे और आपके सामने प्रकट किया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 13 में कि परमेश्वर सदा एक रूप रहता है, परंतु मैं और आप बदल जाते हैं। इसलिए वो कहता है कि मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आचरण का लेखा देना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि हे युवक, तू अपनी आंखों की अभिलाषाओं को पूरा कर, परंतु याद रख कि परमेश्वर तुझसे तेरे आचरण का लेखा मांगेगा और तुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा। इंसान थोड़े समय के लिए प्रियजनों इस दुनिया में रहता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो जीवित एवं अनुग्रहकारी है, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसलिए इंसान को घबराने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों सदा सर्वदा एक रूप रहते हैं। बाइबल के वचन 2022 साल पहले जब से वो बोले गए हैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, आज भी वो वैसे ही हैं। हम हालेलुया कहते हैं जो स्वर्गदूतों की भाषा है, हम होसाना कहते हैं जो स्वर्गदूतों की भाषा है। ये कभी बदलने वाले नहीं हैं। आप चले जाएंगे लेकिन वो शब्द हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की भक्ति में कहे गए शब्द हैं जो स्वर्गदूतों के द्वारा बोले जाते हैं, नित्य प्रतिदिन स्वर्ग राज्य में बोले जाते हैं। इसलिए ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा और विश्वास के योग्य है, जिसकी आप हजूरी में बैठे हैं। याद रखिए, जिसकी आप आराधना कर रहे हैं वो विश्वास के योग्य है। कई लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि ईश्वर विश्वास के योग्य है। मैंने आपसे पहले भी इस विषय में एक उदाहरण दिया था, एक छोटी सी घटना आपको बताई थी कि दो दोस्त थे, एक किराना की दुकान चलाता था तो दूसरा दूध और मक्खन बेचता और अपनी जीविका अर्जित किया करता था। तो यह दोस्त किराना की दुकान पर जाता और एक किलो मक्खन अपने दोस्त को देता और किराना का सामान वहां से ले आता था। प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन उसने देखा कि मक्खन एक किलो नहीं बल्कि 800 ग्राम है। ये मक्खन एक किलो नहीं परंतु 800 ग्राम है, और वो आश्चर्यचकित हो गया और निराश हो गया और नाराज भी हुआ कि मेरा दोस्त आखिर मुझसे विश्वासघात कैसे कर सकता है। मैं उसे पूरा सामान देता हूं और यह मुझे एक किलो मक्खन की बजाय 800 ग्राम मक्खन लाकर देता है। उसने उसे बुला भेजा और पूछा कि भाई, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने मुझे एक किलो मक्खन की बजाय 800 ग्राम मक्खन क्यों दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो खड़ा होकर उसके सामने आंसू बहाने लगा। प्यारे भाइयों और बहनों, उसे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और उसने क्षमा मांगते हुए कहा कि दोस्त, मुझे क्षमा कीजिए कि मेरा तराजू तो खोटा है, मेरा तराजू तो खोटा है, लेकिन मैं जो चीनी आपकी दुकान से लेकर जाता हूँ उसी को बाट बनाकर अपने घर से मक्खन तोलता हूँ और वही मक्खन लाकर मैं तुमको दे देता हूँ। इंसान की फितरत प्यारे भाइयों और बहनों कोई नहीं समझ सकता है, इंसान की फितरत कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए हम उस सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर को झुटला नहीं सकते हैं। वो सदा एक रूप रहता है, वो कभी नहीं बदलता। इंसान बदलता है कदम कदम पर, हर पल हर क्षण धोखा देने के लिए तैयार रहता। मैं समझता हूं कि अगर परमेश्वर
यहां पर हमारे बीच में उतर कर आ जाए तो ईश्वर को भी कोई जीने नहीं देगा, क्योंकि यीशु को उन्होंने जीने नहीं दिया। किसी ने दोष लगाए तो किसी ने उनको पहाड़ से नीचे गिराना चाहा, तो किसी ने ना जाने कौन कौन से अपशब्द उनके लिए बोले। ये इंसान है, कमजोरियों का मटका है, लेकिन जो अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं और उनको अपनी ताकत बना लेते हैं, वो जिंदगी में कभी निराश नहीं होते हैं, वो जिंदगी में कभी असफल नहीं होते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना, अपनी ताकत को अपनी कमजोरी बनने मत देना। ये परमेश्वर का वचन है आज मेरे और आपके लिए, कि प्रभु चाहता है कि आप लोग उन्नति करें। प्रभु चाहता है कि आप केवल धन पैसे मकान शान शौकत शोहरत की उन्नति नहीं, परंतु आप आत्मिक उन्नति करें। धर्मी धर्म का कार्य करता जाए, सेवक सेवकाई में रहे, और पवित्रताई में रहने वाला व्यक्ति पवित्रता की साधना करता जाए, और सब लोग पवित्रता में बने रहें, सब लोग विश्वास की साधना करें, सब लोग शांति की साधना करें और परमेश्वर की हजूरी में आए। लेकिन यह होगा कैसे, यह होगा कैसे? बाइबल हमें इसके विषय में स्पष्ट करती है। मैं आपको बताऊंगा आज कि प्रभु आपको बताना चाहता है कि आप लोग आत्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं। कितने लोग हैं, चुने हुए लोग, दास दासियां, अभिषिक्त किए गए लोग, पवित्र किए गए लोग, प्रभु की हुजूरी में बुलाए गए लोग, क्या सबके सब पवित्र हैं? क्या सबके सब पवित्रताई का जीवन जीते हैं? नहीं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रभु बार बार ये कहता है कि तुम पवित्रता की साधना करो। योशुआ के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा तुम करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। बोले आमेन, आमेन। दाहिना हाथ उठाएंगे, वचन दोहराएंगे और याद करेंगे। योशुआ नबी का ग्रंथ, योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1, अध्याय 1 पद संख्या 8, पद संख्या 8, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो, तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे, तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में, और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे, सफलता प्राप्त करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सुना आपने कि आपकी सफलता किस बात पर निर्भर करती है? आपकी सफलता पवित्र वचन का मनन चिंतन करते रहने पर निर्भर करती है। इसीलिए इसे धर्म का शास्त्र कहा जाता है। अधर्म शास्त्र का काम है कि आपको और सारे लोगों को एक सूत्र में बांध के रखना, उनका मार्गदर्शन करना, उन्हें स्वर्ग तक जाने का रास्ता दिखाना, परमेश्वर की हजूरी में उनको बने रहने के लिए उनकी सहायता करना। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 27 में प्रभु ने कहा कि संहिता का सार प्रेम और श्रद्धा है। यदि तुम अपने पुत्र पौत्रों के साथ जीवन भर प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उसके जो नियम तथा आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो प्यारे भाइयों और बहनों आप लोग उसकी हजूरी में बने रहोगे और वो आपको आशीष देगा, वो आपको उन्नति प्रदान करेगा। बोले आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में उन्नति आ जाए, उन्नति आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। यूं तो हम बहुत मेहनत करते हैं आत्मिक उन्नति के लिए। कोई उपवास करता है, तो कोई पुण्य का काम करता है, तो कोई दान दक्षिणा देता है, तो कोई अपने घर में प्रार्थना का आयोजन करता है। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति आत्मिक उन्नति करने की कोशिश करता है, अर्थात अपनी आत्मा को पवित्र बना के रखने की कोशिश करता है। लेकिन बाइबल इसके विषय में और अधिक स्पष्ट रूप से बताती है, और ये वचन सबके लिए है, चाहे वो गैर यहूदी हो, चाहे मसीह हो, विश्वासी हो, चुना हुआ हो, दास हो, दासी हो, अभिषिक्त हो, कोई भी व्यक्ति हो। सुनिए ध्यान से कि संत पौलुस क्या कहता है।
रोमियों को लिखते हुए अध्याय 6 पद संख्या 13 में आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित ना करें। आप लोग अपने अंगों को अधर्म के साधन मत बनने दीजिए, आप अपने अंगों को पाप के लिए अर्पित ना करें तो आप आत्मिक उन्नति करेंगे, पवित्रता में आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति इन बातों से अछूता नहीं वो पवित्रता में उन्नति नहीं कर सकता, आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। आगे लिखा है, आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप लोग मरे हुए थे, आप लोगों में जीवन नहीं था, पाप की दास्ता में थे, गुलामी की दास्ता में थे, लेकिन अब यीशु मसीह ने आपके लिए कीमत अदा कर दी है, आप उसे जानते हैं, इसलिए अब से आप चुने हुए हैं। आपको मालूम है कि आपका प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या है और वो क्या करता है और उसने आपके लिए क्या किया है, इसलिए आप अपने इन अंगों को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें और अर्पित करें। ये दो हाथ आशीर्वाद के लिए उठे हैं, ये दो हाथ सेवा के लिए उठे हैं, ये दो हाथ लोगों के उद्धार के लिए उठे हैं, ये दो हाथ प्यारे भाइयों और बहनों पड़ोसी की सेवा करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने इन दो हाथों से अपने पिता के साथ बढ़ईगिरी सीखी, उन्होंने रंधा चलाया, आरी चलाई, उनके हाथों में कारीगरी थी, इसीलिए बढ़ई के घर में उसने जन्म लिया। ये उस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह कितना बड़ा कारीगर था, उसने अपने पिता से वो ज्ञान हासिल किया, उसने उन लकड़ी के गुटकों को सजाया, और प्यारे भाइयों और बहनों वो बाजार में बिके होंगे, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक तौर पर यीशु मसीह के उन हाथों के विषय में चर्चा करें, मनन चिंतन करें, तो यीशु मसीह के हाथ आशीर्वाद देने वाले हाथ थे, वो बनाने वाले हाथ थे, आपको ऊंचा उठाने वाले हाथ थे, शैतान का सर्वनाश करने वाले हाथ थे। उनके पैर जिस जिस जगह पर पड़ते थे उस जगह पर उद्धार, मुक्ति और शांति आती थी। क्या मेरे पैर या आपके पैर किसी के घर में पड़ने से ऐसा होता है? क्या आप और मैं एक दूसरे के लिए उद्धार का या आशीष का कारण बनते? ये मनन चिंतन का विषय है, ये सोचने की बात है प्यारे भाइयों और बहनों। अगर ऐसा नहीं होता तो हम आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम सांसारिक स्तर पर अपना जीवन जीते हैं। इसलिए आगे लिखा है कि अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें, धर्म के काम करें। प्रभु जो चाहता है उन कामों को करें, इन हाथों को अपवित्र ना करें, इन हाथों को अपवित्र ना करें, लेकिन इनको परमेश्वर की हजूरी में समर्पित करें प्यारे भाइयों और बहनों। और प्रभु कहता है आत्मिक उन्नति करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 4 में, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 31 से 32 में, सिमोन सिमोन शैतान को तुमको गेहूं की तरह फटकने का क्या मिला है? अधिकार मिला है। यीशु ने सिमोन से कहा, आपको और मुझे भी उसे अधिकार दिया गया है, जाओ और अशोक की परीक्षा लो, जाओ और अभिषेक की परीक्षा लो, जाओ और किसी की जो भी तुमको मिलता है जो प्रभु की आराधना करता है इनकी परीक्षा लो, क्योंकि प्रभु कहता है दुख की भट्टी में मैं तुम्हारा परिष्कार करूंगा, आग की भट्टी में नहीं। और प्रभु यीशु ने यह कहा कि तुम्हें कोई इतना बड़ा प्रलोभन नहीं दिया गया जो तुम्हारी शक्ति से बाहर हो, जिसको तुम सहन ना कर सको। इसलिए यीशु ने सिमोन को चेतावनी दी, सिमोन सिमोन शैतान को तुमको गेहूं की तरह उसाने का, फटकने का अधिकार मिला है। कभी भी आकर तुम्हें फटकाएगा, कभी भी तुमसे कहेगा नहीं तुम यहां नहीं, तुम्हारी जगह तो कहीं और है, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, तुम जाओ, आओ देखो, मैं तुम्हें वहां दिखाऊंगा, इतनी सैलरी तुम्हें दिलाऊंगा, तुम आओ, तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरा काम करो, देखो मैं तुम्हें यहां ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा, और तमाम बातें दिखाएगा। जैसा कि उसने यीशु को भी नहीं छोड़ा, उससे कहा कि ये देख, अपनी नजर घुमा के देख, ये सारा राजपाट मेरा है, ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, बशर्ते कि तू मुझे
मेरे पैरों पे गिरकर सिजदा कर। ये उसकी युक्तियां हैं। प्रियजनों, आज की दुनिया को, आधुनिक युग के लोगों को शैतान की युक्तियों को समझने की आवश्यकता है। और शैतान से लड़ने का एकमात्र उपाय यह है प्रार्थना, वचन, आत्मा की तलवार, ईश्वर का वचन, विश्वास की ढाल, उत्साह के जूते, शांति और सुसमाचार के जूते। अगर आप इनमें कमजोर हैं तो आप हार जाएंगे, क्योंकि एक सैनिक की जो ढाल है वो उसका टोप है, जिसे हेलमेट कहते हैं। जानते हैं आप, एफेसियों के पत्र में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम सत्य का कमर बंद कसकर आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन लिए हुए विश्वास की ढाल पहनकर, ताकि तुम डगमगा ना जाओ, जब विपत्ति आए तो तुम भाग ना जाओ डर के मारे, विश्वास की ढाल लेकर आगे बढ़ना, शांति और सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनना। अब सैनिक की ये पांचों चीजें सैनिक के शरीर के ऊपर होती हैं। जानते हैं आप, सैनिक एक बहुत टाइट बेल्ट अपने यहां पर बांधता है और उसमें उसकी खुखरी होती है, पानी की बोतल होती है, और थोड़े से रास्ते के लिए उसके पास क्या होते हैं, आमंड्स या फिर बादाम, वो एक झोली में रखता है, ताकि अगर उसे दो चार दिन कहीं पर जंग लड़ते समय भोजन ना मिले तो उसमें से वो निकाल के खा सकता है। और ये सारी चीज़ें उसकी बेल्ट में रहती है, इतना टाइट बांधा होता है उसका बेल्ट, ताकि वो सामान जो है नीचे ना गिर जाए। और उसके जूते, प्यारे भाइयों और बहनों, आपने देखे हैं कि किस तरह के होते हैं, इतना उत्साह के साथ वो आगे बढ़ता है। उसकी नज़र केवल और केवल दुश्मन पर रहती है, इधर उधर उसकी नज़र नहीं रहती, क्योंकि अगर उसकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो इसलिए हमारी नज़र इस दुश्मन पर रहनी चाहिए कि ये कौन सी युक्तियां रचाकर आपके और हमारे घरों में सेंध लगाता और जीवन में सेंध लगाकर उसे नष्ट करने की कोशिश में रहता है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि तुम आत्मिक उन्नति करना चाहते हो तो तुम अपने कदमों को बुराई की ओर ना बढ़ने दो, अपने होठों को बुराई ना बोलने दो, अपनी जीभ को बुरा मत बोलने दो। आज हम अनेक प्रकार की विपत्तियों से घिरे रहते हैं, अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों में घिरे हैं। हर व्यक्ति चिंता में है, बड़ा हो, छोटा हो, महात्मा हो, आचार्य हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति चिंता में है, किसी ना किसी चिंता में है। जिसको पूछो कैसे हैं आप, बड़ी चिंता है, बड़ा काम है, थक चुके हैं, क्या करेंगे, कैसे होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होती। बाइबल कहती है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 12 की विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होती है। उसके पीछे कोई कारण होगा कि क्यों आप चिंता में हैं, क्यों आप परेशानी में हैं, क्यों हमें जिंदगी में चैन नहीं है, क्यों हमें नींद नहीं आती है, क्यों हम बेचैन रहते हैं, क्यों हमारे जीवन में ऐसा होता है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि ये घर में छल के आती है। जब तक आप इसे ना बुलाएं तब तक आपके घर में नहीं आएगी। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, एक बहुत ठोस उदाहरण बाइबल से मैं आपको देना चाहता हूं, सुनना ध्यान से। आप जानते हैं कि इसहाक के दो बेटे थे, याकूब और एसाव। और जब आशीर्वाद देने का समय आया तो याकूब की मां, जो याकूब को ज्यादा प्यार करती थी, वो चाहती थी कि पिता का आशीर्वाद जो है वो याकूब को मिल जाए। एसाव जो बड़ा था, उसके शरीर के जो बाल थे वो औरों के समान थे, और बड़े बड़े बाल थे उसके शरीर के ऊपर। तो अंत के दिनों में उसके पिता ने कहा कि जाओ तुम मेरे लिए अच्छे भोजन का प्रबंध करो और मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और जब एसाव जो था बाहर चला गया तो याकूब ने धोखे से क्या किया, अपने भाई एसाव के जैसे कपड़े बनवाए और उसे अपने शरीर पर पहने और वो अपने पिता के पास आशीर्वाद लेने के लिए चला गया। आशीर्वाद लेने के लिए वो चला गया। उसके पिता ने पूछा, क्या तुम एसाव हो? उसने कहा, हाँ हाँ मैं एसाव ही हूँ। उसने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी आवाज़ ऐसी नहीं लगती है।
तुम्हारी आवाज तो मुझे याकूब के जैसे लगती है। बोले नहीं, देखो आप मेरे शरीर को छू कर देखो। याकूब ने अपने पिता से धोखे से अपने बड़े भाई का आशीर्वाद ले लिया, लेकिन उसके बाद उसका नतीजा क्या हुआ? प्यारे भाइयों और बहनों, जब याकूब अपने चाचा के यहां चला गया, अंकल के यहां चला गया, तो उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई। वो अपने अंकल की छोटी बेटी को प्यार करता था, शादी करना चाहता था, 7 साल तक काम करने की उससे शर्त रखी। छोटी बेटी के लिए उसने क्या किया? 7 साल तक काम किया और उसकी शादी हो गई और सब कुछ हो गया। लेकिन जब सुबह उसने उसका चेहरा देखा तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि ये तो बड़ी लड़की थी, ये तो उसके अंकल की बड़ी लड़की थी। देखिए, याकूब छोटी लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसके लड़की के पिता ने बड़ी लड़की को याकूब को दिया और उसके साथ उसकी शादी हो गई। और याकूब, प्यारे भाइयों और बहनों, लंबे समय तक इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था। इतना ही नहीं, ऐसा क्यों हुआ? क्यों उसे धोखा मिला बार बार? और भी उसके बहुत सारी बातें हैं जिनमें उसने धोखा खाया। उसके जीवन में आशीर्वाद तो था, लेकिन आशीर्वाद काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसने प्रॉपर तरीके से नहीं लिया था, उसके लिए उसने काम नहीं किया था, वो धोखे से उसने लिया। वो आशीर्वाद उसके जीवन में था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। उसने क्या किया? 7 साल और काम किया। उसके बाद फिर से अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो 6 साल उसे और काम करना पड़ा। लगभग 20 साल में 10 बार उसकी सैलरी ऊपर नीचे कर दी गई, कम बढ़ती कर दी गई। 20 साल में लगभग 10 बार उसकी सैलरी में फेर बदल हो गया। और उसका अंकल जो था उससे कहने लगा कि नहीं, अब तुम्हें और करना पड़ेगा, अब तुम्हें इसके लिए 7 साल तुम्हें काम करना पड़ेगा, 6 साल तुम्हें करना पड़ेगा। बराबर धोखा ही मिलता गया। अब वो तंग आ गया था और उसने बोला, अब मुझे समझ में आ गया है, अब मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, ब्लेसिंग काम क्यों नहीं कर रही। मेरे पिता इसहाक ने इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया और मेरे जीवन में धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा, ऐसा क्यों हो रहा है? आप भी अपने जीवन में सोचिए कि आप इतना मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद आपको धोखे क्यों मिलते हैं? आपके जीवन में आशीर्वाद काम क्यों नहीं करता? पाप और धोखा उसके जीवन में काम कर रहा था और उसने कहा, अब मैं वापस जाऊंगा, अब मैं वापस जाऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, और जब उसे प्रभु मिला तो बाइबल हमें बताती है कि फरिश्ते के साथ उसने युद्ध किया। फिर से उसका घमासान युद्ध होता रहा और सुबह के भोर के पहर तक क्या करता रहा? वो फरिश्ते से युद्ध करता रहा, एक सीढ़ी पर उतरते चढ़ते रहे। और अंत में उसने क्या किया? फरिश्ते की टांग पकड़ ली और उसने कहा कि मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि तू मुझे आशीर्वाद ना दे दे, आशीर्वाद ना दे दे। जानते हैं कि फरिश्ते ने उसे क्या आशीर्वाद दिया? उसने कहा, ठीक है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, आज से तू याकूब नहीं, आज से तेरा नाम इज़राइल होगा, क्योंकि याकूब शब्द का अर्थ है धोखा और इज़राइल शब्द का अर्थ है आशीर्वाद। जब उसके जीवन से ये चीज निकली तो आशीर्वाद उसके जीवन में काम करने लगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए अपने जीवन में अनुभव करके देखना कि यदि आपने किसी को धोखा दिया है, चाहे अपनी माँ को या बाप को या अपनी पत्नी को या अपने मित्र को या अपने पड़ोसी को, तो आपको भी धोखा कभी ना कभी अपने जीवन में मिलेगा। आपको भी अपने जीवन में कभी ना कभी वो धोखा मिलेगा। इसलिए बाइबल सच कहती है कि मजदूर मेहनत करता कमाता लेकिन छेद वाली थैली में डालता। अगर आप 10 रुपए चुराते हैं तो आपका 100 रुपए का नुकसान होता है, याद रखिएगा। मानिए या ना मानिए, आप परख कर देख लीजिए,
अगर आप 100 रुपए चुराते हैं तो आपका 1000 रुपए का नुकसान होता है। एक झूठ छुपाने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और धोखा धोखा और ये चीजें हमारे जीवन में काम करती हैं। तो जब उसका नाम बदल दिया गया, जब उसे आशीर्वाद मिल गया, तो उसका आशीर्वाद परमेश्वर का उसके जीवन में काम करने लगा, तो पाप और विपत्ति का जो रूप है वो एक जैसा है। कैसा है? एक जैसा है। पाप और विपत्ति दोनों एक जैसी हैं। तो पैसे के द्वारा पाप करेगा तो पैसे के द्वारा आपको यंत्रणा आएगी। सुनना ध्यान से, मैं समझता हूं कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, कि पाप और विपत्ति का रूप जो है वो दोनों एक जैसा है। अगर आप पैसे के द्वारा पाप करेंगे तो आपके घर में पैसे के द्वारा यंत्रणा आएगी, और यदि आप अपने जीवन में शरीर से पाप करते हैं तो शरीर में यंत्रणा आएगी। यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की जिस चीज से आप पाप करते हैं वो आपके घर में आपको यंत्रणा देगी, परेशानी देगी। इसलिए प्रियजनों, अपने आप को प्रभु को समर्पित करना। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु ने प्यारे भाइयों और बहनों सूली पर चढ़कर हमें इन तमाम विपत्तियों से, पापों से निजात दिलाई और हमें इस लायक बनाया कि मैं और आप उसकी हजूरी में खड़े होने के लायक बन जाएं। अगर यीशु के साथ हैं तो विपत्ति और बीमारी में ताकत नहीं आपको मारने की। अगर परमेश्वर आपके साथ है, अगर उसका आशीर्वाद आपके साथ है, तो किसी विपत्ति में या बीमारी में ताकत नहीं है आपको नष्ट करने की, क्योंकि प्रभु ये वादा करता है कि वो आपके साथ है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने गुनाहों के लिए तौबा करें, माफी मांगें। ये सुंदर समय है चंगाई की प्रार्थना, इस वक्त हम करेंगे आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, जो बीमार हैं, रोगशैया पर हैं, लकवे से पीड़ित हैं, अनेक प्रकार की बदकारियों में पीड़ित हैं, अविश्वास के कारण बीमार पड़े हुए हैं। प्रभु आपको स्पर्श करे, बंधन टूटे और आप लोग चंगे हो जाएं, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे। आइए हम सब ताली बजाते हुए इस गीत को गाएं। छुटकारा छुटकारा छुटकारा
से, बीमारी के हर एक बंधन से, वासना के हर एक बंधन से, वासना के हर एक बंधन से, क्रोध घमंड के बंधन से, क्रोध घमंड के बंधन से, छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने Hallelujah, 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 hallelujah,
सामर्थवान जीवित प्रभु यीशु का पवित्र लहू, उसका पवित्र वचन, उसके पांच घावों के द्वारा, उसके पवित्र लहू के वसीले से, उसके पवित्र सलीब पर फतेह के वसीले से, यीशु मसीह के सामर्थ्य और चंगाई नाम के द्वारा आपके जीवन से हर प्रकार की बुराई को डिस्कनेक्ट करता हूँ। बोले आमेन। हर प्रकार के रोग शक्तियां, बीमारियां, कैंसर की बीमारी, लिकोरिया, सफेद दागों की बीमारी, किडनी के रोग की बीमारी, लाइलाज बीमारियां, यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से आपके शरीरों को छोड़कर क्रूस के नीचे बंध जाएं। आमीन। अंधेपन की दुष्ट आत्मा, गूंगे बहरे की दुष्ट आत्मा, लकवे की दुष्ट आत्मा लोगों के शरीरों से निकले और क्रूस के नीचे बंध जाए। आमीन। यीशु की आत्मा आप लोगों पर अधिकार ले और आपके जीवन में प्रभु का नया लहू बहने लगे और आपको चंगाई और पवित्रता प्रदान करता है। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से आपके घर को चारों ओर से बाड़ा करता है। उसके तमाम स्वर्गदूत आपके घर पर इस वक्त पहरा दें। पवित्र आत्मा आप पर उतरा हुआ है। एक एक को प्रभु अपने दाहिने हाथ से स्पर्श कर रहा है जिन्हें माइग्रेन की समस्या है। यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू को आपके सिर पर, सिर से लेकर पांव तक लगाता हूँ। जिनके यूट्रस में गांठें हैं, रसौलियाँ हैं, फलोपियन ट्यूब में सूजन है, शुक्राणुओं की कमी है, शरीर में जो कमजोरी है, यूरिक एसिड की समस्या से जो पीड़ित हैं, अनेक गुप्त अंगों से जो पीड़ित हैं, यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से आपके शरीर से ये बीमारी निकले और प्रभु के क्रूस के नीचे बंध जाए, कभी ना लौटे। बोले आमीन। आमीन। नशे की दुष्ट आत्मा, ड्रग्स की दुष्ट आत्मा, अशांति की, बेचैनी की, नींद नहीं आने की दुष्ट आत्माएं, प्रलोभनकारी दुष्ट आत्माएं, आत्महत्या वाली दुष्ट आत्माएं, लालच, पेटूपन, विषय वासना, अश्लीलता और अपवित्रता की दुष्ट आत्माएं आपके शरीरों को छोड़कर क्रूस के नीचे बन जाएं और कभी न लौटें। बोले आमेन। आमेन। I claim the deliverance and healing in the name of Jesus। बोले आमेन। आमेन। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से मैं इस वक्त चंगाई और छुटकारे की मांग करता हूँ। प्रभु यीशु का पवित्र लहू आपके शरीर पर, सिर से लेकर पांव तक लगाता हूँ। छोटे बच्चे, नवयुवक युवतियां, बड़े बूढ़े, माता पिता, बुजुर्ग दंपति जो चल फिर नहीं सकते, रोग शैया पर हैं, बीमार हैं, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आपके टखनों में बल आ जाए, आपके पैरों में बल आ जाए, आपकी नस नस में प्रभु का पवित्र लहू बहने लगे। Be healed in the name of Jesus. Be cleansed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. यीशु की आत्मा आप लोगों पर अधिकार ले। आज की रात्रि वो आपके चौखट को, आपके बिछौनों, आपकी आटा गूंदने की परात को प्रभु ब्लेस करे। उसका पवित्र लहू से आपको मसा करे। उसके स्वर्गदूत आपके घरों पर पहरा दें। आपके आंगनों में प्रभु के रक्षा स्तंभ लग जाएं। इस वक्त जो कोई भी मेरे साथ एक मन है, एक प्राण है, रिसीव द अनॉइंटिंग, इस अभिषेक को ग्रहण करें। अभिषेक इस वेदी से आपके घरों की ओर बह रहा है। जितनों ने उसमें विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। यदि आप विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। वे लोग, वे बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, स्मरण शक्ति में कमजोर हैं, इस वक्त मांगना, प्रभु अपने ज्ञान के भंडार से आपको प्रदान करेगा। जिनको संताने नहीं है, आप मांगना सारा बंधन टूटे और अपने जीवन से उस विपत्ति के लिए प्रायश्चित करते जाएं, पाप के लिए प्रायश्चित करते जाएं, सारा बंधन टूटे आपके जीवन से। प्रभु से कहना, हे प्रभु यीशु, स्पर्श कर मेरे दिल को, स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, और मुझे शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, मुझे छू ले, मेरे घर को छू ले, अधिकार ले, और मेरे जीवन को प्रभु तू चलाने वाला बन। स्पर्श कर स्वामी, 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 स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर
स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, मुझे स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सोना पड़ा, स्पर्श कर करते हैं इस वक्त जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, हे प्रभु यीशु, इनकी नस नस में तेरा पवित्र लहू बहने दे। हम विशेष रूप से ब्रेना परेरा को प्रभु समर्पित करते हैं, फादर वॉल्टर को समर्पित करते हैं प्रभु। ऐसे तमाम लोग जो इस प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं प्रभु, तेरा पवित्र लहू इनके उस जख्म पर लगाते हैं जिस जगह पर ये कैंसर की बीमारी से इन्फेक्शन है। तेरा पवित्र लहू इन्हें मसा करे प्रभु। आपने कहा जो मेरे पास आता है अंधकार में नहीं भटकेगा। जी हाँ प्रभु, आज तेरे इन बेटे बेटियों को जो कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं, हे प्रभु, इन्हें चंगाई प्रदान कर। तेरा पवित्र लहू का मसा इनके ऊपर उतरे। इस विशेष कृपा के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। आप अपने लिए और बच्चों के लिए प्रार्थना करें। माता पिता, अपने बच्चों के लिए आप प्रार्थना करें। जो बिजनेस करते हैं वो अपने बिजनेस के लिए इस वक्त प्रभु का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें। ईश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। घुटनों पर आएं, हाथों को उठाएं। ये पवित्र समय है, प्रभु की आशीष ग्रहण करने का ये पवित्र समय है। इस पवित्र संस्कार की ओर आप लोग देखें, प्रभु आपको आशीष और चंगाई प्रदान करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बच्चों पर दया कर, इनके परिवार में आशीष आ जाए। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र दाहिने हाथ से इन्हें मसा कर, स्पर्श कर दे। तेरे स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करें, हर डर खौफ कतरे शैतानी ताकतों बदरूहों के लश्करों से इन्हें बचा के रखें। मैं तेरा दास तेरे चरणों में ने समर्पित करता हूँ। दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए अब्बा पिता, इनके परिवारों पर दया कीजिए। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक इन्हें प्रदान कर। रू की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। राइट नाउ हीलिंग एंड डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। आई क्लेम हीलिंग एंड डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से सारी बदरुओं के लश्करों को, बुराइयों को आज्ञा देता हूं कि आपके परिवारों और जीवन से निकलकर क्रूस के नीचे बंद के जल के राख हो जाएं।
हे प्रभु, तूने कहा थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से मेरा मरूं। आज की रात्रि इनके घरों को आशीष दे, इनके आटा गूंदने की परात को ब्लेस करने की कृपा कर, इनके बच्चों के जीवन में सद्बुद्धि इन्हें प्रदान कर, ज्ञान के वरदान से इन्हें भरपूर कर। जो बड़े हैं प्रभु उन्हें आशीष दे, जो बुजुर्ग हैं उन्हें विश्वास में कायम रहने की कृपा दे। हे प्रभु, जिन घरों में नशा है, ड्रग्स है, अशांति फैली है, बेचैनी है, तेरा पवित्र आत्मा इन पर अधिकार ले। स्वर्गदूत मिखाएल अपनी तलवार से इनकी रक्षा करे, बद्रूहों के सारे लश्कर तेरे पवित्र नाम से जल के राख हो जाए, बंधन टूटे, यीशु तेरे पवित्र नाम से हमारी प्रार्थना कबूल कर ले उद्धार करता, यीशु मसीह के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। आइए हम सभी सिर झुकाकर प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें सभी आशीषों के लिए। खुदावंद यीशु मसीह नाल गल है मेरी, ते एहो सोचा सोच विचार दिया, मैनू दो जग दी अग की साड़ना है, ते मैं बंदी यीशु मसीह सरकार दिया। ओ दे करम दा मुल ना तार सका, ते पैर पैर ते मुल दीवानी यीशु के दर्दी, यीशु मसीह
सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो वचन प्रभु ने आपको दिया है, 100 गुना, 60 गुना और 70 गुना फल आपके जीवन में लेकर आए।